लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओम देवेंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। देखने में तो तुम किसी राजकुल के राजकुमार दिखते हो। तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। बस क्या तुम किसी राजकुल से संबंधित हो? आपका अनुमान सत्य है। मेरा संबंध भरत वंश से है, ब्राह्मण देवता। भरत वंश से संबंध रखने के पश्चात तुमको इस शक्र विद्या से इस कठोर तप की क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरा कहा मानो, यह तपस्या त्याग दो। आप मुझसे तपस्या का त्याग करने के लिए क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? कारण तो तुम भी जानते हो नबीवक, तुम्हारी आयु अपने आप को कठोर तप में तपाने की नहीं, अपितु जीवन के रास रंग और भोग विलास में डूब जाने की है। यदि तुम भोग विलास और जीवन के रास रंग का आनंद उठाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी अवश्य सहायता कर सकता हूं। कौन हो तुम? क्यों ब्राह्मण देवता का वेश धारण करके मुझसे मेरी तपस्या त्यागने के लिए कह रहे हो? सत्य कहो, किसने भेजा है तुम्हें? अन्यथा मेरा रोष तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मेरे और तुम्हारे बीच में रोष का कोई स्थान नहीं है। बस मैं तो तुम्हें यहां जीवन के भोग विलास और आनंद की शिक्षा देने आया हूं। इस तपस्या को त्याग दो, क्या मिलेगा तुम्हें इस पूजा पाठ और आराधना से? अरे आराधना करते करते मेरी तरह वृद्ध हो जाओगे तब भी तुम्हें तुम्हारे आराध्य वरदान देने नहीं आएंगे। वरदान की कामना से मैं तपस्या कर भी नहीं रहा हूं। मैं तो शक्र विद्या द्वारा स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की अग्र पूजा कर रहा हूं। करो, करते रहो, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक करो। किंतु बस मैं ये बताना तुम्हें अपना कर्तव्य समझता हूं कि तुम्हारे आराध्य कभी नहीं आएंगे, इसीलिए ये तपस्या का त्याग करके जीवन के भोग विलास का आनंद लूटो। चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी है। क्यों अपना यौवन नष्ट करने पर तुले हुए हो? बस मेरी बात मानो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चले जाओ यहां से। अरे तपस्या और आराधना के लिए एक यौवन तो क्या, कुंती पुत्र अर्जुन अपने आने को जीवन की आहुति दे देगा पर अपने आराध्य को प्रसन्न करके ही रहेगा। जाओ, चले जाओ यहां से। धन्य हो तुम वत्स, और धन्य है तुम्हारी भक्ति भावना। तुम्हारी माता कुंती ने तुम्हें योग्य और श्रेष्ठ संस्कार दिए हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूं और मेरी प्रसन्नता तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। नहीं नहीं, अब इन औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। जब मन में शिव भक्ति की आग जगी हो तो विलंब करना उचित नहीं है। शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाओ। मैं तुम्हें शिव के महामंत्र से दीक्षित करता हूं। आओ। आओ। ओम नमः शिवाय। बस इस समय मंत्र दीक्षा देने के कारण मेरा स्थान तुम्हारे गुरु का है, अतः मुझे गुरु मानते हुए अग्नि को साक्षी मानकर इन शुभ सामग्रियों के साथ मुझसे दीक्षा लेने की प्रार्थना करो।
ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव, मैंने अपने सखा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के कहने पर शिवाराधना का संकल्प किया है। इसी संकल्प को सफल करने के लिए मैंने शक्र विद्या द्वारा आपकी आराधना और तपस्या की है। अब आप कृपा करके मुझे आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले पावन मंत्र से दीक्षित करें। हर हर महादेव। अब जो मैं कह रहा हूं तुम इसे दोहराओ। ओम नमः शिवाय। 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 बस आशुतोष भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने वाले इस पंचाक्षरी मंत्र का जप हृदय की तल्लीनता के साथ करो। हृदय की लीनता के साथ इसका पारायण करो। भगवान शिव सुखों में वृद्धि करने वाले और दुखों का अंत करने वाले हैं। वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। किंतु वीर शिरोमणि अर्जुन, तुम इस शिव आराधना को एक वीर और शूरवीर के समान इस गांडीव को धारण करके संपूर्ण करो। आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है वीर, यह गांडीव तुम्हारा परिचय है। यह संसार तुम्हें गांडीवधारी के नाम से आदर प्रदान करता है, इसीलिए यह गांडीव तुमसे किसी भी कार्य में अलग नहीं रह सकता। अतः इस गांडीव को धारण करके संपूर्ण लीनता के साथ शिव आराधना में मग्न हो जाओ। यह तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। जो आज्ञा। तुम्हारा कल्याण हो बस। वाह वाह, हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट, तुम्हारा भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे तुम्हें तो प्रणाम करने को जी चाह रहा है। करते जाओ तुम यहां पर मदिरापान, और वहां वो कुंती पुत्र अर्जुन आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करके इस संसार का सबसे महान योद्धा बन जाएगा, और तुम भांजे देखते रह जाओगे। त्याग दो इस मदिरा को, त्याग दो। अर्जुन, मामा श्री, आप अर्जुन को लेकर इतनी चिंता क्यों करते हैं? मेरे समान चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। अभी तो वो अर्जुन चक्र विद्या द्वारा इंद्र की अग्र पूजा ही कर रहा है मामा श्री। कर रहा है नहीं भांजे, कर रहा था। इंद्र को प्रसन्न करने के बाद शिव मंत्र में भी दीक्षित होकर
अर्जुन ने शिव आराधना शुरू भी कर दी है। अमाश्री, आपने मुझे वचन दिया था, आप अर्जुन की अग्र पूजा के बाद उसकी शिव आराधना में संकट के पर्वत खड़े कर देंगे। उसकी क्या योजना बनाई आपने? बन जाए। चुप। उत्तेजित होने से बुद्धि नहीं आती। मुझे अपनी योजना पर ठीक उसी तरह विश्वास है जिस तरह मुझे पांसों की सेना पर। अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए मैं इस युग के सबसे भयानक और विध्वंसक दैत्य मूक की सहायता लूंगा। और यदि तुमने भी दुर्योधन अर्जुन को संकट में देखना है तो फेंक दो ये मदिरा का प्याला और चलो मेरे साथ। चलो आओ दुर्योधन, आज से पहले तुमने मेरा ये कक्ष नहीं देखा होगा। देखो आप मुझे कहां लेकर आ गए हैं मामा श्री? हस्तिनापुर राज्य के इस गुप्त और रहस्यमय कक्ष के विषय में तो मुझे भी नहीं पता था। जानोगे कैसे भांजे, इस रहस्यमयी और गुप्त कक्ष का निर्माण हमने अपनी तंत्र मंत्र की साधना के लिए बड़े गुप्त ढंग से करवाया था। और इस रहस्यमयी परंतु सिद्ध कक्ष में बैठकर यहां मैं अपनी काजरी विद्या की शक्ति से संसार में किसी भी प्राणी की दशा और दिशा का अनुमान लगा सकता हूं। मामा श्री, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। परंतु अविश्वास करने का कोई कारण भी तो नहीं। अविश्वास का कारण मात्र इतना ही है मामा श्री, आज से पहले आपने कभी भी अपनी तंत्र मंत्र शक्ति का परिचय नहीं दिया। समय से पहले दिया हुआ परिचय नहीं होता, भविष्य बन जाता है। जिस प्रकार समाज अपने भविष्य के लिए सचेत नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार समय से पहले दिए हुए परिचय के लिए भी कोई उत्सुक नहीं रहता भांजे। इसीलिए हर काम अपने समय पर ही होना चाहिए। आप सत्य कहते हैं मामा श्री, तो मैं आपकी तंत्र मंत्र शक्ति के द्वारा सबसे पहले अर्जुन को देखना चाहता हूं मामा श्री। अर्जुन को देखना चाहता हूं, मुझे अर्जुन को देखना है। अर्जुन मामा श्री। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, आओ इस आसन पर बैठ जाओ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बस बस मामा श्री बस, मैं अपने शत्रु अर्जुन को देख नहीं सकता और नहीं देख सकता इसे मैं। ये तो इतने लीनता से तपस्या कर रहा है कि इसकी शिव आराधना सफल होने में मुझे कोई संदेह दिखाई नहीं देता। परंतु मेरा अनुष्ठान देखकर तुम्हें विश्वास हो जाएगा भांजे। मैं तुम्हारी उत्तेजना का अंत करने और तुम्हारे जीवन की पांडव रूपी बाधा को समाप्त करने का अनुष्ठान प्रारंभ करने वाला हूं भांजे। तुम केवल शांत रहकर मेरी तांत्रिक सिद्धि का चमत्कार देखो।
हे भक्तवत्सल देवादिदेव भगवान शिव शंकर, दर्शन देकर मेरी मनोकामना पूर्ण करें। प्रभु मेरी मनोकामना पूर्ण करें। प्रसन्न हो भोलेनाथ, प्रसन्न हो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्रीम श्रीम ओम श्रीम श्रीम ओम श्रीम आयम कांजरी फट स्वाहा। मित्रता का संकल्प करने वाले दैत्य मूख प्रकट हो, प्रकट हो दैत्य मूख। तुम्हारा मित्र गांधार नरेश शकुनी तुम्हारा आह्वान कर रहा है। आओ आओ दैत्य मूख, हे मित्र आओ। ओम श्रीम श्रीम ओम ओम हेम कांजरी फट स्वाहा। तुम्हें अपनी मित्रता की सौगंध दैत्यराज मूख, अपने मित्र की सहायता के लिए आओ। एक मित्र की सहायता करना मित्र का कर्तव्य है। प्रकट हो दैत्यराज मूख स्वाहा। Ha 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 ha